आज हम बनाएंगे फूलगोभी और आलू को बेहतरीन सब्जी, वो भी साधारण तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं ये सब्जी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम फूलगोभी लिए हैं और 500 ग्राम आलू लिए हैं। उसको मैंने छोटे छोटे कट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैं कढ़ाई को गर्म करूँगा। उसके बाद उसमें सरसों का तेल डाल देंगे 50 ग्राम तक। उसके बाद इसको जब तक ये तेल गरम होगा थोड़ा देर गरम होने दें, 1-2 मिनट तक। जब तक तेल गरम नहीं होगा उससे पहले इसमें कुछ भी नहीं डालना। जैसे ये तेल गरम हो जाएगा तो इसमें आप हरी मिर्ची को कट कर लें और प्याज को दोनों डाल दें। जैसे यहाँ पर गरम हो गया तेल, मैंने यहाँ पर जैसे प्याज को डाल दिया। प्याज को इस तरह थोड़ा देर चलाएँगे। उसके बाद इसमें तुरंत ही ग्रीन चिली डाल देंगे। जैसे हरा मिर्च और प्याज को डाल देंगे, उसके बाद इसको 2 मिनट तक इसको चलाएंगे। जैसे ये प्याज है ब्राउन हो जाएगा और मिर्ची भी इसमें थोड़ा लाल हो जाएगा। जैसे प्याज जैसे ब्राउन हो जाता है, हल्का हल्का मर जाता है, वैसे जब तक नहीं होगा 2-3 मिनट तक उस तरह आप हल्की आँच में इसको चलाते रहें। चलाने के बाद थोड़ी देर के बाद जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा उसमें उसके बाद इसमें फूलगोभी को ऐड कर देंगे। फूलगोभी को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा देर और चलाएंगे, जैसे इसमें भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन आने लगेगा। जैसे 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 इसको चलाते रहें थोड़ा 2 मिनट के बाद जैसे चलाएंगे, चलाने के बाद थोड़ा देर के बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। उसके बाद आलू और गोभी साथ में चलाते रहेंगे। जैसे इसमें भी थोड़ा 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 लाइट लाइट ब्राउन आने लगेगा, जैसे इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगेगा उसमें कढ़ाई में, उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद जैसे आप थोड़ा अनुसार नमक डाल देंगे, उसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी भी डाल देंगे। उसके बाद फिर इसमें चला इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। उसके बाद इसमें एक जैसे मैंने एक मिक्सी में इसको मिर्ची और लहसुन और अदरक इसको मैं पेस्ट बना लिया हूँ, उसको उसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ और काफ़ी ही टेस्टी बनेगा। ये मसाले को ऐड करने के बाद थोड़ा देर चलाएंगे। ध्यान रहे जैसे आप जैसे कि आप इसमें मिक्स में आप पेस्ट बनाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। मात्र हल थोड़ा सा मिर्ची डालना है, लाल मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा अदरक और काली मिर्ची, बस इतना ही डालना है। इसको पेस्ट बना के ऐड करना है। उसको इसको डालने के बाद इसको थोड़ा देर के चलाएँगे। चलाने के बाद थोड़ा सा इसमें 3 टमाटर को कट कर लेंगे बड़े साइज में। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। जैसे टमाटर ऐड करेंगे थोड़ा देर और चलाएंगे इसी तरह। उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए इसमें ढक देंगे। ढकने के लिए जैसे आप इसको एक ढक्कन ले लेंगे, ढक्कन को ढक देंगे। इसको इसको 2 मिनट तक ऐसे हल्की आंच में पकने देंगे। इसको 2-3 मिनट के पकने के बाद इसको फिर से ढक्कन हटाएंगे और इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको फिर से एक बार चला देंगे, जैसे इसको करछुल से चला देंगे एक बार। उसके बाद जैसे ये पानी मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसको फिर से दोबारा के लिए 2-3 मिनट तक ढक कर करके पकने देंगे। उसको 2-3 मिनट तक पकने के बाद इसको दोबारा से ढक्कन हटा लेंगे। उसके बाद इसको फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। जैसे इसमें देखिए पूरा आलू और गोभी ने पानी सोख लिया है, जिसमें आलू में जो भी आलू जो रहता है वो गल चुका है और गोभी भी गल चुका है। इसको इसी तरह 2-3 मिनट तक हिलाते रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हरा धनिया डाल देंगे इसको थोड़ा भी तो और भी ज़्यादा टेस्टी आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आलू और गोभी नहीं गला है, आलू सही से नहीं गला, तो उसके लिए आप 1 मिनट के लिए और भी इसको ढक करके छोड़ देंगे। उसके बाद ये जैसे हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए मेरा ये सब्जी रेडी है। इसी तरह बहुत ही टेस्टी सब्जी है, आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनेगा साधारण तरीके से। ज़्यादा मैंने इसमें मसाले भी ऐड नहीं करे कि आप कन्फ्यूज होंगे कि कहाँ से मसाला जुगाड़ करूँगा। ये बिल्कुल साधारण तरीके से और बहुत ही टेस्टी सब्जी बना है। देखिए आलू भी गल चुका है मस्त। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर लाइक करें
और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह और भी आपको रेसिपी जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।